दोस्तों शुक्राणु की कमी एक ऐसा टॉपिक हो गया जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, चाहे हम इसको एज स्पर्मा भी बोल सकते हैं, अनिल शुक्राणु भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बहुत से लोग क्वेरी होती है कि भैया इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या इसका इलाज हो सकता है और इसका क्या क्या मेन कारण होते हैं, तो सब कुछ आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों जो शुक्राणु की कमी होती है इसके बहुत से कारण होते हैं, चाहे वो आप एनवायरमेंटल बोल सकते हैं या एज फैक्टर बोल सकते हैं या खान पान बोल सकते हैं या फिर कुछ गलतियां अपनी बचपन की, चाहे वो हंसना सुन वगैरह हो, बहुत से कारण होते हैं। अभी एनवायरमेंटल की बात करें तो जैसे कि किसी कोई गर्म एनवायरमेंट में रहता है, ठीक है, या फिर अगर बात करें एज फैक्टर की तो ज्यादा एज हो जाती है वहां पे शुक्राणु की कमी आ जाती है। और अगर बात करें भी जवानों में ऐसी समस्या क्यों आ रही है तो वो खान पान है, चाहे वो फास्ट फूड हो, तीखा मिर्च मसाला और उनके जो भी ड्रिंकिंग स्मोकिंग वगैरह की हैबिट्स होती है उनकी वजह से। और बात करें अगर हार्मोनल की तो जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी होती है, ऑक्सीटोसिन की कमी होती है तो वहां पे जो हो सकता है। और अगर जिन लोगों को बचपन से ही है जिनको नील शुक्राणु, उनके लिए भी मैं आपको कुछ दवाइयां आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको शुक्राणु की बहुत कमी है, नील शुक्राणु है, तो उसके लिए ना जो सबसे बेहतरीन इलाज है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। जिसके लिए जो एक खीर का मैं आपको बताया था, जो पहले भी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ दवाइयों के बारे में बताऊंगा। अगर आपको खीर के बारे में जानना तो उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा और मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, तो जाओ देखो और वो बहुत ही जबरदस्त फायदा करेगी खीर शुक्राणु की कमी में। और बात करें अगर दवाइयों की तो दवाइयों में इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों अश्वगंधा, जो इसका पाक, अश्वगंधा पाक ले सकते हो या फिर अश्वगंधा क्षीर पाक इसको अपन बोल सकते हैं। अपने उसके लिए अपने को एक चम्मच अश्वगंधा लेना है जिसको दूध के अंदर डाल के उसको उबालना है। एक गिलास दूध लिया, चाहे वो आप 250 ml दूध बोल सकते हैं, 250 ml दूध के अंदर एक चम्मच आपने अश्वगंधा डाला, बराबर मात्रा में उसके अंदर 250 ml ही उसके अंदर पानी डालना है दूध के अंदर, ठीक है, तो आधा लीटर हो जाएगा। अब उसको उबालना है, जब आधा रह जाए यानी 250 ml ही रह जाए तो उसको छान के आपको सुबह शाम लेना, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है दोस्तों। उसके अलावा अगर आप बात करूंगा कोई टैबलेट की तो उसके लिए आप इसके अंदर आप एडिजोवा टैबलेट ले सकते हो, नियो टैबलेट ले सकते हो, ठीक है, और शुक्र मातृका वटी ले सकते हैं, ठीक है, और क्वार्ट्ज पाक ले सकते हैं, ये सारी दवाइयां ले सकते हैं। और एक इसके अंदर आता है मकर ध्वज वटी, ये मकर ध्वज वटी आपको एक एक सुबह शाम लेनी है, ठीक है, और नियो टैबलेट एक एक सुबह शाम लेनी है, और कौच पाक है वो आधा आधा चम्मच सुबह शाम लेना है। अगर गर्मी का टाइम है तो आप शतावरी ग्रेन्यूल्स ले सकते हो इसके अंदर, ठीक है, शुक्र मातृका वटी दो दो टैबलेट सुबह शाम ले। मैं यकीन मानिए दोस्तों ये जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ बहुत ही गजब की चीज है, बहुत ही गजब का रिजल्ट है इसके। अगर जिन लोगों को शुक्राणु की बिल्कुल कमी है, नील शुक्राणु है, उसमें बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। तो अगर जो लोगों को और कोई सवाल हो तो वो मुझसे डायरेक्ट कॉल करके सवाल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे चल रहा है। और ये जो मैंने टैबलेट बताई है, जो आपको जो क्षीर पाक बताया है और जो खीर मैंने बताई है उसके रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, आपको इसके रिजल्ट सिर्फ 10 दिन के अंदर देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों को नील शुक्राणु है उनके लिए मैं एक स्पेशल कैप्सूल बता रहा हूँ जो कि एडिजोवा कैप्सूल आता है, वो आप ले सकते हैं, है ना, वो रिजल्ट बहुत ही गजब के मिलने वाले हैं आपको, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों। और मात्र 15 दिन में आपका जो शुक्राणु काउंट है, जो स्पर्म काउंट है, वो काफी बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आप ये मार्केट में आराम से मिल जाएगी सारी दवाइयां, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर के ऊपर या किसी भी पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएगी, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी, तो वहां से लें। और कोई भी और सवाल अदर सवाल हो तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप वहां पे जाके मुझसे देख सकते हैं। और मेरे और कोई सोशल मीडिया हैंडल है, ट्विटर है या फिर इंस्टाग्राम है, तो आपको सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी दोस्तों। और मैं आपको मिलूंगा नए अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। मैं मिलता हूं आपको इसके नए अगले वीडियो में इसी किसी नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। अगर आपको कोई अदर जानकारी चाहिए मेरे को कमेंट में जाकर फटाफट से बताओ। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं।